हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बैनर्जी। आज ये ज़रबिया का ब्लॉग शुरू करने से पहले, आपको सारे को पोजीशन डेट बताने से पहले, आपको एक मिनट छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, उनके बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गाँव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने के लिए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार से बताने लगे। महात्मा ने उन सब की बात ध्यान से सुनी और कहा कि आप सब मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूं। गांव वालों ने कहा ठीक है और वो सब वहां से चले गए। एक हफ्ते बीत गए लेकिन साधु महात्मा को अभी तक कोई भी हल नहीं मिला। वो कोई भी हल नहीं ढूंढ सके और उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आपकी मदद केवल ऊपर बैठा वो भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे, यज्ञ करने लगे उनको खुश करने के लिए और भगवान ने उनकी सुन भी ली। उन्होंने गांव में अपना एक दूत भेजा। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि अगर आज रात को तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालते हो तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो दूत वहां से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूं तो किसको पता चलने वाला है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश के होने का इंतजार करने लगे, लेकिन मौसम अभी भी वैसा का वैसा ही दिख रहा था और बारिश के होने की थोड़ी भी संभावना नहीं दिख रही थी। देर तक बारिश की इंतजार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं में देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था और उस कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई, और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने भी यही सोचा था कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, मेरे एक लोटा पानी डाल देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं डाला और कुएं को पानी से भर दिया। सेम तरह की गलती आजकल हम सब अपने रियल लाइफ में भी करते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ करने से क्या होने वाला है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप अपने देश, समाज, घर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो बदलिए और बेहतर बनिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा ज़रबिया का साइट है, इसके अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ बदले, कुछ बेहतर हो, तो सारे लोग एक साथ में कुछ सोचें, एक साथ में कुछ करें, जिससे शायद से जो चीज़ हमारी रुकी हुई है वो हम सबको मिल जाए। इसी के साथ आज का जो अपना ज़रबिया का प्रोजेक्ट है मैं चालू करता हूँ, ज़रबिया का वीडियो है चालू करता हूँ। इस पर आप देखिए इसका जो अपने बिल्डर के द्वारा बताया गया पोजीशन डेट कब मिलने वाला है,